द्रौपदी मुर्मू के रूप में भारत को अपना 15वां राष्ट्रपति मिल चुका है। इससे पहले वो 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल थी। राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च पद है। इस पद की सैलरी, सुविधाएं, शक्तियां और ताकत सब खास हैं। तो ये भी जानना जरूरी है कि 320 एकड़ में फैले 340 कमरों वाले शाही आलिशान भवन में रहने वाले राष्ट्रपति की सैलरी, सुविधाएं और क्या क्या अधिकार हैं। राष्ट्रपति को हर महीने 5 लाख रुपए सैलरी मिलती है, वो भी पूरी तरह टैक्स फ्री। रहने के लिए 320 एकड़ में फैला 340 कमरों वाला राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति और उनके लाइफ पार्टनर को दुनिया भर में फ्री यात्रा की सुविधा मिलती है। राष्ट्रपति को जीवन भर फ्री मेडिकल सुविधा मिलती है। घर, बिजली, फोन बिल सहित अन्य भत्ते मिलते हैं। आने जाने के लिए मर्सिडीज बेंज S600 पुलमैन गार्ड गाड़ी। राष्ट्रपति की फ्लिट में 25 गाड़ियां मौजूद होती हैं। राष्ट्रपति के पास 86 स्पेशल प्रेसिडेंशियल गार्ड होते हैं। राष्ट्रपति भवन पर हर साल करीब 2.25 करोड़ रुपए खर्च होता है। 5 सेक्रेटरियल स्टाफ और 200 लोग राष्ट्रपति भवन की देखरेख में रहते हैं। भारत में राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख कमांडर हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति और संविधान का संरक्षण करते हैं। मनी बिल को छोड़कर किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। भारत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता। आपातकाल लागू करने का अधिकार, फांसी की सजा माफ करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। दोषियों की सजा निलंबित या खत्म करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार, चीफ जस्टिस और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, वित्तीय आपातकाल लागू करना, बिल पास करने के लिए मंजूरी। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति को भी कई सुविधाएं मिलती हैं। भारत में पूर्व राष्ट्रपति को सैलरी से आती यानी 2.5 लाख रुपए पेंशन मिलती है। पूर्व राष्ट्रपति को रहने के लिए मुफ्त बंगला, 1 मोबाइल फोन, 2 फ्री लैंडलाइन फोन, स्टाफ खर्च के लिए 60,000 रुपए, 1 सहयोगी के साथ ट्रेन या हवाई मार्ग से यात्रा करने की सुविधा, दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी और 2 सेक्रेटरी। सिर्फ इतना ही नहीं, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ किसी भी अदालत से गिरफ्तारी या कारावास की कोई प्रक्रिया जारी नहीं की जा सकती है।